थोड़ा सा हम एक तो कहानी से इसको शुरू करेंगे और 15 मिनट में हम खत्म करेंगे। एक तो युवक साधु था क्या, वो विश्व भ्रमण के लिए निकला और वो साधु था राजा का दोस्त। निकला तो युवक था और लौटा तो बूढ़ा होके लौटा। बहुत साल लगा, लगने के बाद लौट के आया। आने के बाद राजा खुश हो गए। राजा क्या बोलते हैं, यार हमारे देश का संस्कृति को तुमने बाहर ले गया और संसार में हमारा नाम को रोशन किया और हम लोग जो भी करते हैं उस चीज को तुमने फैलाने का काम किया, तुमने बहुत बड़ा काम किया, चलो तुम्हारा हम पांव पकड़ते हैं। और उनको सम्मान भी किया, कदर भी किया। उसके बाद पूछता है, यार इतना तुम घूमा और इतना फिरा, सारा चीज मतलब करके आया, मेरे लिए क्या लाया? तो ये बोलता है, आपके लिए लाए हैं और बहुत सोच के लाए हैं और बहुत बढ़िया चीज लाए हैं, एक दर्पण लाए हैं। हेलो, दर्पण समझते हैं? आईना। तो एक दर्पण लाए हैं। अब देखिए, दर्पण देता है वो महाराज को। महाराज बोलते हैं, यार बड़ा बड़ा दर्पण मेरे पास है, तुम ये छोटा सा दर्पण ला के दिया, कोई बड़ा चीज नहीं दिया। तो उसने क्या कहा जानते हैं? उसने कहा, महाराज इस दर्पण को आप देखिएगा, आपका दिल बदल जाएगा। और जैसे आपका दिल बदल जाएगा वैसे व्यवहार बदल जाएगा, और जैसे व्यवहार बदल जाएगा वैसे आपका जीवन बदल जाएगा। देखिए यहां पे ये इनरवा का सनातन कुटुंबकम जो परिवार है, ये यहां क्या कर रहा है? ये आपको हमको दर्पण दिखा रहा है। हेलो, आपको हमको दर्पण दिखा रहा है। देखिए अभी यहां बैठ करके आपने देखा अशोक दायर, इधर आपको पवन जी और हमारे घिमिरे गुरु जी कितना अच्छा अच्छा बात करें। हो सकता है बहुत बार हमको समझ में नहीं भी आया होगा, बहुत बार समझ में भी आया। देखिए यहां बात हो रहा है संस्कृति को रक्षा करने का, हमारा सनातन संस्कृति को रक्षा करने का बात है। और ये आज चला है, ऐसी बात नहीं है, इसका रक्षा काफी दिन से हुआ है। देखिए आज और धर्म का इतना ज्यादा बोलबाला चला आया है हमारी संस्कृति में, हमारा संस्कृति लोप होते जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब देखिए ऐसा समस्या जर्मन में आया था एक बार। जर्मन में कुछ क्रिश्चियन लोग थे, वो लोग क्या करते थे, गाय काट के खाना धर्म समझते थे, बकरी काट के खाना धर्म समझते थे, भैंस काट के खाना धर्म समझते थे, कुछ भी काट के खाइए, कुछ किसी को मार के खाइए, उसको धर्म समझते थे। और कैसे उसका देते थे एग्जाम्पल सुन लीजिए। कहते थे, ये गाय को अगर हम मार के खाएंगे तो गाय का शरीर मरेगा, आत्मा अमर है, आत्मा को मुक्ति करना है, इसको मुक्ति दिलाना है, तो गाय काट के खाओ। देखिए इसी तरह से मतलब हर चीज को खाने का मतलब होता था इसको मुक्ति देना। अब ये बात इसी तरह से, देखिए ये बात इसी तरह से आया भारत में भी, सीखते सीखते हमारे आपके समाज में घुस गया और ये चीज भारत में भी आया। ये उसी जमाने का बात है जिस जमाने में मोटा मोटी जीसस क्राइस्ट थे और उसी जमाने के आसपास में कुछ आगे भगवान बुद्ध भी थे, उसी समय का है। और भारत में जब ये चीज आया घूम फिर करके, तो भगवान बुद्ध भी घूमते फिरते उस जगह चले गए जहां जानवर सबका वध होता था, बलि चढ़ाया जाता था, उस हिसाब से आपको धर्म के नाम से बलि चढ़ता था और लोग खुश होते थे, एक बलि हम देंगे तो हम इतना को उद्धार करेंगे और 100 बलि देंगे तो इतना को उद्धार करेंगे, कंपटीशन में काम होता था। तो भगवान बुद्ध गए, जाने के बाद वहां उसका पार्टी सब था, काफी लोग थे और यही बहस करते थे कि हम लोग जो है इसको भी मुक्त कर रहे हैं, उसको भी मुक्त कर रहे हैं, आत्मा अमर है और हम लोग जो है जीव को मार के खा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध क्या बोले, बाबू एक काम करो ना, तुमको मुक्ति करना है तो अपना प्यारा बेटा को वध कर दो, उसका आत्मा को मुक्ति कर दो और उसका जीवन को खा लो।
हेलो। फिर बोले तुम अपनी पत्नी को काट दो, फिर अपने पिता को काट दो, अपने आप को भी काट दो, तुमको भी तो मुक्ति होना है। तब उन लोगों का असली में क्या है, आपको जो भी क्रिश्चियन लोग हैं उसका सत्य क्या है, जीवन सत्य र बाटो मोह, इसी पर बाइबल है और इसी पर बाइबल का टोटल कहानी है। और जीवन सत्य र बाटो, जो जीवन को नहीं जानता है और वो जीवन को क्या पढ़ाएगा, जो सत्य को नहीं जानता है जो सत्य को क्या पढ़ाएगा, और जो बाटो को नहीं जानता है वो बाटो को क्या पढ़ाएगा। अभी रमेश जी ने क्या कहा, एक आदमी था परमेश्वर का पिता के नाम पर उसका बातचीत चल रहा था, लेकिन परमेश्वर का पिता के नाम पर बात चल रहा था, लेकिन परमेश्वर का ये पुत्र है तो इसका पिता कौन है, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। पर बाइबल के बारे में थोड़ा सा एक अटपटा बात हमको समझ में आता है, वहां पर देखिए तलाक का एक सिस्टम है। हेलो, बोलिए, ऐसा धर्म के पीछे लगना चाहिए, लगना चाहिए। हमारे संस्कृति में क्या है, हमारे संस्कृति में कहीं भी द्वैत भावना है, कुकर्म है, कोई भी हमारा ज्ञान देने वाला पुस्तक जो भी है, चाहे वेद कहिए चाहे गीता कहिए चाहे फिर सारा उपनिषद है, इसमें कोई इस तरह का बात है नहीं है। देखिए संजोग से हम गए थे शिलांग, भारत का एक स्टेट है शिलांग, वहां गए थे। वहां आदिवासी के यहाँ चर्चा हो रहा था और आदिवासी के यहाँ इसी तरह का आपको एक लगा हुआ था, क्रिश्चियन सबका मतलब एक टाइप का सम्मेलन लगा हुआ था और आदिवासी सबको जमा किया हुआ था। वहां दो ठो बड़ा मतलब तामा का बर्तन में, बड़ा मुंह वाला बर्तन में, दो ठो बर्तन में पानी रखा हुआ था। देखिए ये मेरा आंख का देखा हुआ है और उस टाइम में मेरा उम्र 22-22.5 साल का था। और एक ठो में रखा राम को, एक ठो में रखा जेसस क्राइस्ट को। और उन लोगों ने आदिवासी को दिखाया, क्या दिखाया, इस पानी में जो डूब जाएगा वो भगवान नहीं है और जो नहीं डूबेगा वो भगवान है। और बनाया हुआ था लकड़ी का, एक ठो लकड़ी के अंदर में लोहा डाल करके अंदर से बंद कर दिया हुआ था और एक ठो लकड़ी था शुद्ध। देखिए अब मान लीजिए वहां डालने के बाद लकड़ी वाला तो डूबेगा नहीं, ये तो पता है हमको, लोहा वाला डूबेगा कि नहीं डूबेगा। ऐसे ऐसे करके हमको आपको झुठला करके ये लोग क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। हेलो, और अभी इन लोगों का अटेम्प्ट कहां है, जहां गरीबी है, मुसर टोल, झांगर टोल, ई टोल, वो टोल, जहां गरीबी है उसमें है। अब इन लोगों को बचाने का काम किसका है, सर हम लोगों का है कि नहीं, हम लोगों का है कि नहीं, ये सब क्लियर है। अब झगड़ा करके बचाएंगे तो इस तरह का समा, इस तरह का प्रोग्राम होना आवश्यक है कि नहीं है सर। तो इस तरह का प्रोग्राम करेगा कौन, क्या अशोक जी मात्रे करेंगे कि पवन जी करेंगे कि पंडित जी मात्रे करेंगे कि भुवनेश्वर यादव, चाहे हमारे क्या नाम था सर, दिगंबर जी मात्रे करेंगे कि पंडित मात्रे करेंगे। आज आपको झंडा लेना होगा और अगला प्रोग्राम आप लोगों के घर में लेना होना चाहिए। कौन झंडा उठाने के लिए तैयार है, हाथ उठाइए, एक बार हिम्मत करिए, एक बार हाथ उठाइए, कोई हिम्मत करिए। देखिए इन्होंने हाथ उठाया, आइए आप यहाँ आइए, ये सम्मानित है मेरे लिए। देखिए ये गरीब है अमीर है हम नहीं जानते हैं, लेकिन इनके दिल के अंदर में ये बात घुस गया कि हम मानव हैं तो मानवता का अनुसार हम चले। हेलो, खैनी पान चुरोट में हम सब दुनिया भर का खर्च करते हैं, करते हैं कि नहीं करते। चाय पान में हम दुनिया भर का खर्च करते हैं, करते हैं कि नहीं करते। हम मेजबानी उजमानी दुनियादारी में खर्च करते हैं कि नहीं करते। और सनातन संस्कृति को बचाने के हिसाब से हम लोगों को कुछ खर्च करना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कोई खर्च का आवश्यक नहीं है, गांव घर में अभी सभी जगह ये साउंड सिस्टम है, आप दिल से बात करिए तो आपको साउंड सिस्टम वाला भी फ्री में दे सकता है, नहीं भी दिया तो 2-4-500 रुपया दे भी सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। दूसरा आपको सिंपल कल का पानी पिलाना है, चाय भी नहीं पिलाइए, कोई जरूरी नहीं है।
लेकिन हमारा संस्कृति को बनाना है। देखिए संस्कृति कब बनेगा, जब प्रकृति को आप बचाइएगा तभी संस्कृति बनेगा। प्रकृति को नहीं बचाइएगा संस्कृति नहीं बचेगा। अब प्रकृति क्या है, जितना भी ईश्वर का व्यवस्था है ये सारा प्रकृति है। क्या नाम है आपका? श्यामलाल मेहता। कितना नंबर में घर है? कोसी गांव पालिका वार्ड नंबर 6। किधर पड़ा हो? 6 नंबर, यही है घर आपका। कितना दूर है? क्या दिया जा सकता है सर अगला बार? नाम नोट कर लीजिए, क्या नाम था आपका? श्यामलाल मेहता। श्याम नारायण मेहता। चलिए आप बैठ जाइए, तो जोरदार थाली होना चाहिए इनके लिए, जोरदार थाली, थाली बजना चाहिए। आइए सब बैठ जाइए। टाइम हो गया प्रकृति का। देखिए यहाँ लिखा है प्रकृति को बंधन करना है और संस्कृति को प्रबंधन करना है। पहला नंबर में प्रकृति क्या है और प्रकृति क्यों आवश्यक है, सुन लीजिए थोड़ा सा बहनी सब। प्रकृति क्या है, जितना भी ईश्वर का किया हुआ व्यवस्था है वो प्रकृति है। और विकृति क्या है, जितना भी विज्ञान ने व्यवस्था किया है वो सारा विकृति है। आज संसार का सबसे बड़ा लगानी कहां हो रहा है? आणविक में हो रहा है, बम बारूद में हो रहा है, सारा हथियार बनाने में हो रहा है। 75-80% पैसा लगानी जा रहा है विश्व का पैसा बम बारूद में, हथियार में। और जब उसका यूज होगा तो वो आपको विनाश करेगा कि निर्माण करेगा? लो मान लीजिए विनाश की तरफ इतना सारा पैसा विश्व लगा रहा है और कल मानव जाति से लेके सारा ईश्वर का व्यवस्था को बर्बाद करने का काम हो रहा है, ये संस्कृति है कि विकृति है? तो हम लोग ऐसे विकृति के पीछे नहीं लगे। बाइबल कुछ भी नहीं है, बाइबल एक तो काल्पनिक चीज है और काल्पनिक चीज से ही हम लोग को झुठला रहा है। क्लियर है सर? अब आगे का हम एक तो बात करते हैं, हमारे संस्कृति में क्या है। देखिए भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट आपको बता दिया है, मेरे पास दो ठो फोकस पॉइंट है। दो ठो फोकस पॉइंट में एक ठो फोकस पॉइंट क्या है, मेरा नेगेटिव की तरफ जाता है। हेलो, नेगेटिव की तरफ जाता है। देखिए नेगेटिव के तरफ जाने से हमको क्या होता है, ध्यान दीजिए, मेरा प्रकृति, मेरा सोच, मेरा विचार, मतलब मेरा सामाजिक कार्यक्रम, मेरा जितना भी व्यवहारिकपन है, ये नष्ट होगा कि नहीं होगा सर? देखिए हम क्या खाते हैं, तभी अशोक भैया ने क्या कहा, कोई 1% बच्चा बचा होगा जो गुटखा नहीं खाता होगा, चाय नहीं पीता होगा, जो सुपारी नहीं खाता होगा, जो खैनी नहीं खाता होगा, जो दारू पीहर नहीं पीता होगा, 1% बच्चा बचा होगा, नहीं तो 99% लड़का जो है इस लत में पड़ा हुआ है। हेलो, तो ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है सर? नेगेटिव है। क्लियर है सर? अब देखिए इस फोकस को हम नेगेटिव से हटाने के लिए पहला नंबर में क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले मोबाइल का यूज जो है ना एकदम मिनिमम किया जाए, जहां जरूरत है वहां मोबाइल का यूज करिए, नहीं तो हमारा बाल बच्चा आज से 10-15 साल में आपको हमको पैसा न छोड़ देगा। इतना जिद्दी हो जाएगा और इतना गलत काम में लग जाएगा, पढ़ना लिखना भी भूल जाएगा, आई लव यू करते रहेगा और नाच गाना में पड़ा रहेगा और उसका दिमाग हो जाएगा टोटल नेगेटिव। उसको संभालने के लिए पहला नंबर में हम लोग क्या करें, मोबाइल का यूज कम करें। जहां आवश्यक है वहां मोबाइल का यूज किया जाए, आवश्यक नहीं है तो मोबाइल का यूज नहीं किया जाए। देखिए माँ बाप दोनों बैठ करके मोबाइल देखिएगा, बच्चा देखने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा? और बच्चा झूठ फूट देख करके टोटल दिमाग को नेगेटिव बना लेगा तो बोलिए हमने संस्कृति को बनाया कि संस्कृति को बिगाड़ा? अब इसको संभालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा पौराणिक जितना भी ग्रंथ है, आप वेद को पढ़िए, आप गीता को पढ़िए, आप रामायण को पढ़िए, आप महाभारत को पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए, पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? और रामायण पढ़ने से आपको एक चीज का ज्ञान जरूर होगा, क्या होगा बताएं? एक चीज का ज्ञान जरूर होगा, क्या होगा, बीता हुआ दिन को याद करके कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है, वो नेगेटिव है। बीता हुआ दिन को याद करके कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिए सीता हरण हुआ, जो सीता हरण हुआ उस चीज को भगवान राम जैसा वापस नहीं ला सके, तो हम आप ला सकते हैं?
द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, उन हरण हुआ वस्त्र को, समय को, उस टाइम को भगवान कृष्ण रिटर्न नहीं ला सके, तो हम आप ला सकते हैं? अभी हम लोग क्या करते हैं, ये सार हमारा ई कर लगे होकर हम दिखा देवे, हेलो दिखाइएगा, नहीं भैया ये नहीं दिखाइए, अब हम बेसी बात नहीं करेंगे, टाइम भी नहीं है, और हम जितना भी आपसे बात कर रहे हैं हड़बड़िए में कर रहे हैं। और देखिए, एक थो राजा का तीन क्वेश्चन था, एक थो राजा का तीन क्वेश्चन था, क्या था, तीन क्वेश्चन था राजा के दिल में हुआ, हम उन्नति करें, प्रगति करें, राज्य को आगे बढ़ाएं और संस्कार और संस्कृति को हम विकास करें। तो राजा को मन में प्रश्न हुआ कि भैया सही काम करने का सही समय क्या है, फिर उसके मन में प्रश्न हुआ सही काम क्या है, समय क्या है, काम क्या है, और सही आदमी कौन है। अब ये सुन लीजिए, आप लोग भी ध्यान दीजिए, सही समय कौन है, सही काम क्या है, सही आदमी कौन है, ऐसे सवाल रखा। और सवाल रखने के बाद विद्वान सब थे, सुन लिया बात इसको, लेकिन संतुष्टि नहीं हुआ। जब संतुष्टि नहीं हुआ तो इसने क्या किया, इसने पत्नी से जाके बात किया। पत्नी बोलती है, महाराज आप चिंता नहीं करिए, जंगल में बहुत साधु संत है, बहुत ऋषि मुनि है, बहुत उन लोगों ने रिसर्च किया हुआ है, आप जो है उनसे जाके बात करिए। और ये आदमी सीधा उधर चला गया जंगल की तरफ। जाते जाते एक साधु मिले, वो साधु अपना फुलबाड़ी को कमा रहे थे, काम रहे थे। तो ये जाकर के पूछता है, महाराज हमको तीन प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। साधु अपना काम रहा है, इनकी तरफ देख भी नहीं रहा है, फिर भी पूछ लेता है, कहता है महाराज ये बताइए सही समय क्या है, सही आदमी क्या है, और सही काम क्या है। तो ये कुछ नहीं करते हैं। फिर राजा के मन में आ गया, नहीं नहीं ये वृद्धा आदमी है, थोड़ा सा इसको मदद कर देंगे, इसको कमाने का ताक है, हम थोड़ा सा कमा देंगे जल्दी से, तो हमको जवाब मिल जाएगा। उनसे कुदाल मांगा, आराम से काम दिया, आधा घंटा खट दिया, काम भी खत्म हो गया। उसके बाद बैठ करके पूछता है, महाराज अब ये तीन प्रश्न का आपको जवाब दीजिए। तो महाराज बोलते हैं, मतलब गुरु जी बोलते हैं, महाराज आप तो जो है ना ये तीनों काम कर रहे हैं, उसी पथ में आप चल रहे हैं, और जिस पथ में आप चल रहे हैं यही सही काम है, यही तीनों चीज का प्रश्न का आंसर है। ये बोलता है हम नहीं समझे, बोलता है हम नहीं समझे। तो बोला देखिए, आपने मेरे से कुदाल मांग के ये जमीन को ताम दिया, ये सही काम है, सॉरी सही समय है। फिर बोलता है, जो आदमी आया था उसको आपने मलम पट्टी लगा करके उसको बैठ के हाथ कर दिया, वो आपका सही काम है, और सही आदमी हम है। बोलते हैं हमको समझ में नहीं आए। तो बाबा क्या बोलते हैं सुन लीजिए, सही समय जो है, सही समय वर्तमान है, वर्तमान को ऐसे संभालिए, लो वर्तमान को ऐसे संभालिए कि भविष्य को देख करके सीखिए, और वर्तमान का समय को ऐसे संभालिए कि उस समय को आप बिल्कुल फेर जाने मत दीजिए। हम लोग चाय दुकान में बैठते हैं, फोकट या गप करते हैं, अगर चाय दुकान में बैठ करके रामायण गीता का बात करें, सनातन संस्कृति का बात करें, प्रकृति को बचाने का बात करें, और ऑर्गेनिक हार्मोन से खेती करने का बात करें, हेलो सारा हम लोग जैसे नदी का पूजा करते हैं, सूरज का पूजा करते हैं, उसके बारे में बात करें, और कुछ रामायण पढ़े, कुछ गीता पढ़े, और चाय दुकान में बैठ के इसका बात करें, तो सही समय का सदुपयोग होगा कि नहीं होगा सर, होगा सर। तो सही समय क्या है, वर्तमान को संभालिए, और सही काम क्या है, आप जो काम कर रहे हैं उसका इंजाम आना चाहिए, इंजाम नहीं वाला आने वाला काम करिएगा तो समझिए आप बेकार कर रहे हैं, क्लियर है सर। और सही आदमी कौन है, आपका भ्रम को तोड़ने वाला, हेलो आपका भ्रम को तोड़ करके सही पथ में चलाने वाला। आज देखिए इसके बारे में बात लंबा करना था लेकिन समय नहीं है, ठीक है। और पटरी पर ट्रेन को बैठा करके चलाने वाला वो काम कर रहा है इनरवा का सनातन कुटुंबकम, और उसमें भुवनेश्वर वो भी है, चंदन जी भी है, उसी हिसाब से दिगंबर जी होकर लगे हैं, और खास करके आपको हमारी भीमिली जी और इधर पवन जी और हमारे
अशोक भाई, तो हम चाहेंगे एक जोरदार ताली इनको होना चाहिए और आगे फिर कभी मिलेंगे इनके इस पर। और आप लोगों से एक अनुरोध करते हैं, जिस दिन भी इनका डेट लगेगा उस दिन व्यवस्था कुछ नहीं चाहिए, बैठने का जगह चाहिए, ऐसे थोड़ा बहुत पीने का पानी चाहिए और भागमर आदमी चाहिए, कम से कम 200 आदमी देने के लिए तैयार है, सबको मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यस और नो, थोड़ा जोर से यस करिए तो, यस और नो, थोड़ा जोश में आना पड़ेगा भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्थान में ही बैठ करके दाएं हाथ आगू क्या के बाएं हाथ पर में रख करके मुट्ठी वाला देख करके कोई किसी से संकल्प करेंगे थे। संकल्प में पंडित जी कुछ वाक्य सब के छोटा छोटा टुकड़ा करके बोलते, उसको अपना हाथ दोहरावे के थे। संकल्प ये थे, यस पवित्र माटो वायु आकाश आदि पंच महाभूत तथा अपनो चैतन्य आत्मालाई साक्षी राखी, यस विराट प्रकृति को अंगकार रूपमा फलानो गोत्रमा, अपन गोत्र के नाम याद छे, गोत्र का नाम दियो नहीं तो कष्ट पैसे सबका काम चल रही थी। गोत्र में उत्पन्न को अपन नाम, महिला छे तो महिला सब दीदी बहनी अपन नाम कहते, पुरुष दाजू भाई अपन नाम कहते। सनातन संस्कृति को बहाक रही, नेपाल को धरती लाई श्रद्धा का साथ पुण्य भूमि का रूप में स्वीकार कर रही रही, अपना क्षेत्र को पर्यावरण रक्षा एवं प्रकृति संरक्षण को संकल्प लिंचू, अपना संकल्प लिए से मात्र नहीं है थे, संकल्प के पूरा करे के ताकत भी चाहिए। वो ताकत के देते तो अपना कुल के देवता इष्ट देवता पितृजन माँ सभक्ति और संकल्प पूरा करने सामर्थ्य प्रदान करने प्रार्थना कर दू। संकल्प से संकल्प कुछ देर में संकल्प करवे और संकल्प लिए के बाद में एक कोनो किसी में गलती हो जाए थे या कोनो त्रुटि हो जाए थे तो अगल बगल के लोग जो संकल्प ले थे ओकरा ऊर्जा बताते सचेत करते जैसा कि ओकरा फिर सुधरे के मौका मिलते। अब समान सनातन कुटुंब के है समन्वयक भाई पवन चित्रा के आगे संस्कार संबंध में और एक गुरु 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 गति संबंध जाना के टाइम थे इसी समय में भागे तीन एक कई भागे लिए बहुत दूर से हमारी करेंगे जाना आरती मुड़ा के लोगों सब भाई समय आज से। अब हम दूसरा का पॉइंट कई करके बिल्कुल लंबा नहीं लगा सके। एक तक की छे जन्मदिन अपना घर में आयकार एक का सिस्टम भागे थे पहले तो हमारा के जन्म समय में तो नहीं मनाल गए ले बाकी साथ ही जाकर के जेबे हड़बड़ नहीं कर जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत होगा काम से पंच दे भाई आय के कार्यक्रम लगभग दो महीना पहले से हमारा सब व्यवस्था करने से दिया उसका डेट में संजोग से चार महीना पहले कम उपस्थिति से उसके लागे हम बहुत दूर तक आदमी का लाभ लेने सक लिए कम छे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति सब उपस्थित भेल छ विद्वान सब उपस्थित भेल छ आज के कार्यक्रम ई कार्यक्रम से संभवतः बहुत कम गोटे का सौभाग्य मिलने संभवतः आज तक उपस्थित छह इतना जैसे हम सुन कार्यक्रम कम से कम कार्यक्रम केना कहल जेतै कोशिश कर कार्यक्रम करे के लगे अपन बहुत अमूल्य समय के खेला जाकर आए धैर्य धारण टाइम जलाए आए उसके लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देने चाहे सब आई के बाद में जे जितना कार्यक्रम होते सवेर से उपस्थित भेज देते और एक कार्यक्रम के मनन करे के लगे कार्यक्रम की छे वास्तव में हिंदू धर्म के जे अखन आक्रमण मिले थे चारों तरफ से ये बहुत बड़का एक दुर्भाग्य छे दिन चौगुना रात चौगुना के हिसाब से प्रति अपेक्षित कर रहा है आदमी सब लोप हो जा रहा है एक जगरना की करते बगल में ताश खेल रहा है आदमी सब दस बीस आदमी ताश खेल रहा है बगल में भट्टी है भट्टी में दस बीस आदमी हेत ये धर्म का स्थान से इतना आवे ले नहीं चाहे थे केहन आदमी सब आवे ले नहीं चाहे थे इतना ककरो परिचय दे के जरूरी नहीं है बगल में ताश खेले थे वैसे सांस के कथी ज्ञान मिलते सब गोटे बुझे छे बात सब एक लगे ककरो शिक्षा दे के आवश्यकता नहीं है खुद के अवस्था अखन एहन निर्माण है जा रहा है हर घर में
अपन आपके बाल बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, बाहर जा रहा है, अपन विचार से विरुद्ध विचार में जा रहा है, अपन संस्कार से विरुद्ध संस्कार में जा रहा है। बाल बच्चा के नहीं पूछो के लागे तो कम से कम बाल बच्चा के सुरक्षित भविष्य के लागे भी हिंदू धर्म के संरक्षण के आगे बढ़े का आवश्यकता है, आय के आवश्यकता छे। आय के लागे शायद जे जते गुड़ा आय उपस्थित के कार्यक्रम में सुनना है, इस हम मनन करबे करवा। आय के अलावा हमरा सब जे प्राकृतिक संवर्धन तथा संस्कृति के जगरना के हेतु जे हमरा सब एक कार्यक्रम के आयोजना पटक पटक ठाव में विभिन्न ठाव में कार्यक्रम कर रहा है, एक हिंदू धर्म के रक्षा हेतु कर रहा है। विद्वान आए पंडित जी थे, अशोक दाई थे, केदार सर थे, शायद पाँच घंटा तक आते थे, इतने ज्ञानी लोग समय, इतने विद्वान लोग समझे, पाँच घंटा प्रवचन देते रहते थे, कम नहीं थे, विद्वान के प्रकांड विद्वान थे सब। आए सौभाग्य मिले श्रीपुर वासी का, उसी छानवर के वासी के लगे इतना लगे एक सौभाग्य थी जाए ये कार्यक्रम इस जगह में आल गए। अब ठीक से कोई उन्हें ताश कर ले, कोई उन्हें भट्टी में हेते, कोई उन्हें गप कर आवश्यकता जरूरी चीज नहीं है। ठीक है, समय में यदि एक आदमी हिंदू धर्म की यदि रक्षा करने खड़ा हेते तो पक्का से हिंदू धर्म आदर रहते, अमर रहते, अटल रहते, एक कोई नहीं तोड़ सकते, एक ताश खेल के भट्टी में अथी खा के नहीं कर सकते। अपने सब का दिल से आभार व्यक्त करे अमूल्य समय का बावजूद भी अखन तक इतना अच्छे हम बहुत बहुत अपने सबको धन्यवाद दे छे। और ये माइक हम असुर दाई का हस्तांतरण था। अब प्रतीकात्मक रूप में वृद्ध के पूजन, प्रतीकात्मक रूप में वृद्ध के पूजन उपस्थित जे जन छे ओमे वृद्ध वृद्धा जे छे उनकर पूजन का स्थानीय व्यवस्थापक पंचदेव मेहता जी कार्यक्रम संयोजक बनी धर्मपत्नी परिवार धर्मपत्नी सीता दे सीता सिंह मेहता जी द्वारा उन्हें अपने तो पूजन करो अंत से प्रकृति पूजन करो। प्रकृति पूजन पर पास में होने का सब शुरुआत कर लेते वहां कर लेते गुरु सुधारी वर्णम रघुवर विमल जस जो गुरु फलचारी कल कहाँ जाने वाले महावीर क्रम बजरंगी कुमति त्रिवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुनज जगेशा हाथ भज और धजा विराजे काने गूंज जनेऊ सारे शंकर सुवन केसरी नंदन हे जगराकन जगवंदन विद्यावान गुणि अंतापुर राम काज कर दिए गोवापुर प्रभु चरित सुनिवे गो रसिया राम लखन सीता मन बसिया कृष्ण रूप धरि छिए निखावा विकट रूप धरि लंक धरावा भीम रूप धरि असुर सगारे प्रेम चंद्र के काज समावा
रघुपति कहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सास मदन तुम्हारे जस गावे श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक प्रातिक मुनि नारद सारद सहित यही सा जम कुबेर दिक पाल जावे तुम उपकार तुम्हारे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भई सब जग जाना युग शास्त्र जन पर भान मधुर कर जान प्रभु मुखमाही दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारी देते द्वारे तुम द्वारे सब सुख लाए तुम्हारे सरना तुम रक्षा का पूर्ण राम सुनाए सब पीरा जो निरंतर हनुमान सुनाए करम वचन लावे पर राम तपस्वी कल पुण स्वाम जो कोई लावे स्वयमित जीवन पल पा चारो भोग पर ताप तुम्हारा पर सीध जगत उठिया राम बुलारे रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के पुरावे काल रघुवर पुर जाई जन्म हरि व्रत कराई देवता चिंतन गई मन से जो सब सुख गए संकट कटे निजे सब पीरा जो सुनरे हनुमान मन वीरा जय जय हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो साथ मार पाठ कर कोई सुतई बंदी मां हनुमान चालीसा तुलसीदास सदा हरि सेवा राम लखन सीता सही जकर घर में हनुमान चालीसा नहीं छे वो 10% दिया के हनुमान चालीसा ले जा सके छे घर में पाठ करके लागी और कोई अगर इच्छा है कि हम 10% किन के बांटिए देवे तो वो कर सके छे। और एक बात मंदिर के व्यवस्थापन संबंध में कभी ध्यान दिए के आवश्यकता छे जगह जगह जाला लागल छे कहीं कहीं शोभा जेना नहीं भेले वो व्यवस्था करे पड़ते और एक प्रकृति पूजन के कार्यक्रम भागल वृक्षारोपण कार्यक्रम
वृक्षारोपण कार्यक्रम भय रहा है हनुमान चालीसा पाठ भैया गए। अब आगामी कार्यक्रम संबंधी जानकारी ध्वज हस्तांतरण के कार्यक्रम थे आभार प्रार्थना फिर आई के लागे कार्यक्रम विषय अगला कार्यक्रम सोच रहे कि कार्यक्रम के विस्तार है तो अलग अलग वार्ड में अलग अलग आदि समय पहुंचती है कार्यक्रम तो कहीं अच्छा है कम से कम एको वार्ड में 5-10 आदमी भी बात के बूझ के आगू बढ़वा वाला आदमी भाई जीती है तो बहुत सहायक होती है सहयोग होती है कि जोत से जोत जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो एकता दिए थे दोसर दिया जलवे वाला कार्यक्रम थे हमें कोनो भी किस्म के राजनीतिक या व्यापारिक कोनो किस्म के सोच नहीं थे बिल्कुल विशुद्ध अपना आर के हिंदू के रूप में जन्म लिए हिंदू के रूप में मरे के वातावरण चाहिए अपना यहाँ चाहिए और अकेले से नहीं थे आए हमारा बोली थी हमारे घर में सब ठीक थे बात नहीं थी वो सब ठीक करे के लागे यहाँ और के सहयोग चाहिए सहयोग चाहिए एकता से एकता समारते तभी हुंडरी हवा हुरी में बता चल रहे थे धर्म के विरुद्ध में तबे रुकते पहले अपन अपन जातीय पहचान कायम रखते हुए अपन अपन संस्कृति के बचवे के लागी सब चेष्टा करो सब चेष्टा करवे तभी पार लागे नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ा लगे।